अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल ओरिजिन एक्सपर्ट। आज मैं आपके लिए टेंस लाई हूँ फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है, जो फ्यूचर टेंस का सेकंड लास्ट पार्ट है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच विल अकर इन फ्यूचर एंड थॉट टू बी कम्प्लीटेड इन फ्यूचर। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या है कि कोई भी काम जो फ्यूचर में ही होगा, ठीक है, अभी मतलब अभी स्टार्ट नहीं हुआ, पास्ट में भी नहीं हुआ, प्रेजेंट में भी नहीं, फ्यूचर में होगा और फ्यूचर में ही ख़त्म होगा, मतलब अब अभी के बाद, इस टाइम के बाद ही शुरू होगा और इस टाइम के बाद ही ख़त्म होगा। ठीक है, इट एक्सप्रेसेस द सेंस ऑफ कम्प्लीशन ऑफ एन एक्शन हेल्ड इन फ्यूचर। ठीक है, किसी भी एक्शन के कम्प्लीट होने का सेंस बताता है हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट है प्लस इसमें हेल्पिंग वर्ब विल हैव एंड शैल हैव यूज होते हैं, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है, इसमें ही शी दे यू के साथ हम विल एंड शैल आई वी के साथ शैल यूज करते हैं। ठीक है, ही विल हैव ईटन राइस, ठीक है, कि वो खाना खाएगा, फ्यूचर टेंस है। ठीक है, विल हैव ईटन राइस, आई शैल, अच्छा आई वी के साथ शैल विल, शैल भी हम लगा सकते हैं, विल भी हम लगा सकते हैं, इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होती। ठीक है, ये मिस्टेक शो नहीं करता। आई के साथ हम शैल भी यूज़ कर सकते हैं, विल भी यूज़ कर सकते हैं, ही के साथ भी हम शैल विल बोथ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, विल शैल, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। आई शैल, आई विल हैव गॉन टू स्कूल, वी शैल हैव प्लेड क्रिकेट। ठीक है, नेगेटिव स्ट्रक्चर्स का क्या है, विल नॉट बी प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक है, यू विल नॉट हैव ईटन राइस, आई विल नॉट हैव गॉन टू स्कूल, वी शैल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट। अगर आपको किसी भी टेंस का फर्स्ट सिंपल सेंटेंस बनाने का तरीका आता है तो आपके लिए नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाना उसको मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, नेगेटिव तो बहुत ईजी है, उसमें जस्ट नॉट यूज करना है। और इंट्रोगेटिव का क्या है कि वही थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब, विल ही हैव ईटन राइस, शैल आई हैव गॉन टू स्कूल, शैल वी हैव प्लेड क्रिकेट, जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो हम स्टार्ट में ले आते हैं और ये क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क कर देगा, ये क्वेश्चन बन जाता है। ये है हमारा सिंपल सा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी, बहुत ही ईजी टेंस है ये, और मैंने सब टेंसेज आपको बहुत ही ईजी वे में समझाए कि आई होप आपको उसकी इन सब टेंसेस की समझ आ गई होगी। ठीक है, अब कल हमारा लास्ट टेंस है, इंशाल्लाह वो भी कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच करवाऊंगी। ठीक है, हमारा नेक्स्ट लेक्चर है पार्ट्स ऑफ स्पीच। सो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।